गौरव, यही वो जगह है जिसके लिए एक महीने पहले ही वहां के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यह कह दिया था कि खार्किव कुड बी ऑक्यूपाइड, और उस समय से वहां पर लोगों के मन में यह बात है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमले के पहले निशाने पर वो रह सकते हैं। सीमा बहुत ज्यादा दूर है नहीं, लगभग 25 किलोमीटर, ड्राइव कहें तो 45 मिनट से ऊपर नहीं। क्या परिस्थितियां आपको ग्राउंड पर नजर आ रही है? श्वेता, आपने बिल्कुल सही कहा, महीने भर से ज्यादा से तनाव यहाँ जबरदस्त है और अब वो और बढ़ता जा रहा है, क्योंकि चाहे यहाँ के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की हो या फिर अमेरिका का व्हाइट हाउस, इशारा सभी का यही रहा है कि बेलारूस की तरफ से सीधे कीव को निशाना बनाया जाएगा, केवल 90 मील की वो दूरी है, और रूस की तरफ से इस पूर्वी छोर से खार्किव को निशाना बनाया जाएगा। जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, महज 25 मील की दूरी है, एक घंटे का समय भी नहीं लगेगा, और सुरक्षा उतनी अधिक नहीं है क्योंकि सेना जो ज्यादातर तैनात है वो वैसे भी डॉनबास के इलाके में तैनात है, जहां पर अलगाववादियों से वैसे ही पिछले 48 घंटों में ज्यादा गोलाबारी वहां चल भी रही है। तो तनाव का वो माहौल है, लेकिन जीवन को सामान्य रूप से जीतने का प्रयास भी किया जा रहा है। परिवर्तन की अगर बात करें तो यहाँ स्कूली बच्चों से लेकर शिक्षण संस्थान हो या फिर सरकारी दफ्तर हो, लोगों को यह बताया जा रहा है कि बंकर कहाँ कहाँ है, बिल्डिंगों में जो बंकर है वहां पर कुछ खाना पानी, कुछ और सामान ले जाने को उनको हिदायत दी जा रही है, वॉलंटियर्स मांगे जा रहे हैं। आज हमारी कई वॉलंटियर्स से बात हुई श्वेता, जो एबल बॉडीड आदमी और औरतें हैं जो सेना की मदद कर सकते हैं, चाहे वो सामान उठाने में या गाड़ी चलाने में या फिर मेडिकल असिस्टेंस देने में, उन सब से कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द ट्रेनिंग ले, किसी भी समय उनकी जरूरत पड़ सकती है। लेकिन जो इंटेलिजेंस असेसमेंट है श्वेता, जिस तरह का जमावड़ा रूसी सेना का महज 25 किलोमीटर दूर सरहद के उस पार है, जितनी भी ये तैयारियां हैं ये बहुत कम साबित हो सकती है। लेकिन गौरव, इस बात को अब किस तरीके से समझें कि ये सोचा जा रहा था कि शायद रूस बोलने से और बातचीत से ये पूरा मामला सुलझ सकता है, क्योंकि नेटो वाला मामला उसने जिस तरीके से उलझाया है, यूक्रेन की जनता, यूक्रेन की सरकार सब ये बात जानते हैं कि किसी भी तरीके से अगर रशिया आक्रमण कर देता है तो उसके पास वो चीजें, वो संसाधन मौजूद ही नहीं है कि वो अपनी डिफेंस उस तरीके से कर सके। तो रूस मानेगा या फिर अटैक करके ही मानेगा, इसकी गुंजाइशें कैसी बन रही? जो नई मिसाइलें आई हैं, जो नए हथियार आए हैं, और ऐसा हमको यहाँ कई अधिकारियों ने और लोगों ने बताया, लेकिन वो जैवलिन मिसाइल्स या और जो साजो सामान आया है हमने देखा तो नहीं है, लेकिन उसकी ट्रेनिंग यहाँ पर चल रही है। आपने बिल्कुल सही कहा, नेटो के फोर्सेस यहाँ ग्राउंड पर नहीं आएंगे। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि उसके पोलैंड में चाहे भले ही उसने कुछ सैनिक तैनात कर दिए हो या अन्य इलाकों में 3,000 सैनिक आ गए हो, लेकिन वो यहाँ पर यूक्रेन में रूस के खिलाफ लड़ेंगे नहीं। अफगानिस्तान में अमेरिका की सेना के साथ क्या हुआ, इराक में अमेरिका की सेना के साथ क्या हुआ, ये पूरी दुनिया ने देखा। अमेरिका रूस जैसी महाशक्ति से इस तरह सीधे तो निपटेगा नहीं और उलझना भी नहीं चाहेगा। ऐसी परिस्थिति में दोनों तरफ से बातों को उलझाया जा रहा है, क्योंकि जेलेंस्की जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं वो भी कह चुके हैं कि एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की, एक नए सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है, वो नेटो का हिस्सा बनना चाहते हैं, और रूस ने साफ कर दिया है कि नेटो उनके बिल्कुल बैकयार्ड में नहीं आ सकता। यहां से 25 किलोमीटर दूर रूस की सीमा है, और यहां अगर खार्किव में आके नेटो की सेना बैठ जाएगी या मिसाइलें आ जाएंगी तो रूस की सुरक्षा पर बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। इसीलिए ये विवाद अभी और संभवतः बहुत ज्यादा लंबा चलेगा। एक बात और श्वेता, ये जो पूर्वी यूक्रेन का इलाका है इसमें रूस के समर्थक भी बहुत है, क्योंकि ये रूस से लगा लगा इलाका है, यहाँ के दो प्रांत तो वैसे ही अलगाववादी है। हो ये रहा है श्वेता, हो सकता है कि रूस उन दोनों प्रांतों को मान्यता दे दे, और अगर ऐसा हुआ तो इससे भी इस क्षेत्र में तनाव और बढ़ेगा। बहुत धन्यवाद गौरव सावंत इस पूरी जानकारी के लिए। तो आपने देखा कि जमीन पर स्थिति इस समय कैसी बनी हुई है। हाँ, ये बात अलग है कि पिछले हफ्ते ही वो डेडलाइन गुजर चुकी है जब अमेरिका ने कहा था कि युद्ध छिड़ सकता है, और शुक्र है कि कोई युद्ध छिड़ा नहीं, क्योंकि किस तरह की बर्बादी हो सकती है, जिस तरीके से पूरी दुनिया दो धड़ों में इस समय बंटी हुई नजर आ रही है उसे देखते हुए। लेकिन युद्ध को लेकर परिस्थितियां कैसे बदलती हैं, कैसे दोस्ती दुश्मनी अलग अलग देशों में बदलती है, ये चंद तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाते हैं।
जो तस्वीर, जिस तस्वीर का हम जिक्र कर रहे हैं, ये गजब के विरोधाभास की तस्वीर है। दूसरे विश्व युद्ध के दौर में अमेरिकी सरकार की प्रचार सामग्री 1942 की इस तस्वीर में रूस का सैनिक हेलमेट पहने हुए है, उसके पास राइफल है, वो मुस्कुरा रहा है। तब अमेरिका को इस सैनिक में और रूस की सेना में दोस्त नजर आ रहा था, या कहें कि तब नाजी जर्मनी सबके लिए सरदर्द था, तो रूस और अमेरिका एक दूसरे को फ्रेंडली लग रहे थे। आज यूक्रेन का मसला है और कूटनीतिक हित टकरा रहे हैं, तो यही देश आमने सामने। रूस इस समय 1945 के बाद यूरोप में अपने सबसे बड़े युद्ध की दहलीज पर खड़ा है। व्लादिमीर पुतिन दिन रात अपनी शक्ति और इरादों का ट्रेलर दिखा रहे हैं, लेकिन साथ के साथ कूटनीतिक मुलाकातें भी कर रहे हैं। ये दोस्ती दुश्मनी से ज्यादा फायदे और नुकसान का गणित है।